हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन। 24x7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर को डिस्कस करेंगे उसका नाम है ओलेक्ट्रा। और ओलेक्ट्रा को डिस्कस करने का रीज़न ये है कि आने वाला जो, चूंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बस बनाती है और प्लस इंसुलेटर में बात काम करती है, तो इन दोनों का प्रोस्पेक्ट जो है हम लोग देखेंगे, इसका फ्यूचर क्या है, इस फ्यूचर से हमें क्या फ़ायदा होगा और हमें ओलेक्ट्रा में आगे क्या 4-5 सालों के लिए हमें अच्छा खासा इसमें पैसा जो लगाए 5-4 सालों में रिटर्न अच्छा मिलेगा, वो हमें देखना है। प्लस अभी का चार्ट देख लेंगे कि चार्ट पे क्या कितना प्राइस चल रहा है और हम लोग किस प्राइस पे उसको खरीद सकते हैं और क्या स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग नए हैं प्लीज़ जो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि उनको जो है नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। और इस तरह का एक वैल्यूएबल कंटेंट मैं लेके आता हूँ और ये जो है उनके शेयर के लिए हिम्मत वाला काम करेगा कि उनको उनको पता होगा कि मैं किस जिस शेयर में पैसा लगाया है उसका फ्यूचर क्या है। जब आपको फ्यूचर पता होता है तो आप स्ट्रांगली इसको होल्ड कर पाते हो। अदरवाइज हाफ नॉलेज के साथ आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको हाफ ही पैसा मिलेगा, हाफ ही प्रॉफिट मिलेगा, बाकी प्रॉफिट आपको लूज हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका टेक्निकल देख लेंगे, देन हम लोग फिर जो है इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टेक्निकल में हमने खोला है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज का क्या प्राइस चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है आज जो है क्या हुआ था, कल के डेट में क्या हुआ था, ये जो है एक लेवल जो है इस लेवल तक आया था और इस लेवल 70 के आसपास, 75 के आसपास, और फिर यहाँ से अच्छा खासा फिर क्लोजिंग जो है 98 के आसपास दिया था, रिकवर कर गया था। नेक्स्ट डे जो है इसने लो जो है 90 के आसपास का लगाया और अपर सर्किट पे ये बंद हुआ है। और सुबह मैंने इस पर जो है एक वीडियो बना दिया था, मैंने जल्दी से एक वीडियो इसलिए बनाया था कि जो सब्सक्राइबर हैं उनको ये नोटिफिकेशन मिल जाए और उसमें वो टाइमली जो है मैंने 300 के आसपास बताया था और उसके पहले नीचे तक आया था, मैंने बोला था कि आप खरीद सकते हैं इस लेवल पे और अच्छा खासा फिर उसने जो है अपर सर्किट इसने लग गई। तो जो लोग नहीं खरीद पाए हैं तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सेशन में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ये हमें लगता है कि अपना हाई जो है 43 का ये टच करेगा और यदि इसके ऊपर निकलता है तो 400 के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तो इसका टेक्निकल अभी ज़बरदस्त चल रहा है और अच्छा खासा ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये हमने जो आइडेंटिफाई किया है ये आपका होगा 230 का जो लेवल होगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको आप होल्ड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में जो है आप जो है 260 का जो लेवल है इसको लेके आप होल्ड कर सकते हो। 260 यदि 260 या 260-50 के नीचे आता है तो फिर 40 भी आ सकता है और 40 के पास आप फिर से री एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल भी री एंट्री के लिए सही होगा। तो ये चीज़ें हैं। और देख लें तो यदि 5 साल का चार्ट देख लें तो कितना चला है ये 5 सालों में। तो देखिए 5 सालों में इसका हाई था लगभग ये वाला 280 का और आपका कल का जो लो बना था, देखिए इसके बाद दो जो लो बना था ये 200, मतलब यही क्या था 275 के आसपास का था। तो ये सब चीज़ मायने रखती है दोस्तों कि जो पिछला इसका चार्ट है उसके आसपास से ही आप वहाँ पर खरीदारी करते हो तो थोड़ा बहुत तो आप जैसे स्टॉप लॉस रख लिया 255-55 का, ये देखिए यहाँ से मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मायने रखती हैं, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। तो फंडामेंटल तो मैं बता दूंगा कि फंडामेंटल क्या है। तो ये जो हो गया आपको देखिए यहाँ से अब ज़्यादा अभी इससे बाद जो है इसको डबल चलना है, इसलिए मैंने 2x का टारगेट करके जो है मैंने बनाया था, थंबनेल में लिखा भी था। तो ये इसका टेक्निकल है जो मैंने स्टॉप लॉस बता दिया, उस पर आप काम कीजिए आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अभी इसका ट्रेंड देखिए यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है और ये आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये क्रॉस होगा ही होगा, क्योंकि जब मैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्यों होगा और क्यों मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फिर उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। उसके पहले हम लोग जो है थोड़ा सा हाँ चलिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ही देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ओलेक्ट्रा जो है एक तो ई बस बनाती है और दूसरा इंसुलेटर बनाती है। ई बस का जो मार्केट से मार्केट है वो आपको मैं बता दूं कि 25 CAGR कंपाउंडेड रेट से आगे बढ़ने वाला है ग्लोबल मार्केट का ये है। तो आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी कमर्शियल व्हीकल्स अभी चल रहे हैं गवर्नमेंट के जितने हैं सारे रिप्लेस होने हैं और रिप्लेस होगा तो किससे होगा, बैटरी वाले, चूँकि
कार्बन इमिशन को कम करना है, पॉल्यूशन को कम करना है, तो पॉल्यूशन जैसे दिल्ली जैसा शहर है पॉल्यूशन को कम करना है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक बस की ज़रूरत होनी ही होनी है। तो ये गवर्नमेंट भी इस पे इनिशिएटिव बहुत अच्छा ले रही है, और वो अपने जो फ्लीट में जो बसेस हैं ओल्ड बसेस हैं उसको रिप्लेस कर रही है इलेक्ट्रिक बस से। अब बात होता है कि इलेक्ट्रिक बस में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, तो देखिए प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं। आप चाहे आप टाटा मोटर ले लीजिए, अशोक लेलैंड ले लीजिए, तो जो लोग बनाते हैं वो लोग बना सकते हैं, बट जो ओलेक्ट्रा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर 92 मतलब 1992 से ये इंटरेस्ट रखती है इलेक्ट्रिक बस में और इंसुलेटर में जब ये स्टैब्लिश हुआ था। तो इसका मतलब है कि इसके पास से पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसको बहुत ज़्यादा काम एक्सपेंशन करने केवल एक्सपेंशन करने से ही इनका काम चल जाएगा। बाकी को क्या होगा, नई फैक्ट्री डालनी होगी, नई तरह से यूनिट, हर चीज़ नया करना होगा। जब तक वो नया करेंगे दोस्तों, तब तक ये अच्छा खासा ऑर्डर जो है ले चुका होगा पूरे मार्केट से, और अच्छा खासा, क्योंकि जब ये बसेस बेचते हैं ना दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने बस बेचा है, बल्कि उस बस के साथ मेंटेनेंस का भी करार होता है। वो मेंटेनेंस का जो पैसा होता है वो भी इलेक्ट्रा को आने वाले 10 सालों तक तो मिलता रहेगा। और देखिए अब इसमें देख ले, इलेक्ट्रिक बस जो मार्केट है 2021 से 28 तक का जो यह है 26.8% 2019 से 26 तक बढ़ने के आसार हैं, और इस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, इस लेवल से ग्रो कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना अच्छा मार्केट है। और इंडिया में बात करें, इंडिया में देखिए आपका 18 बिलियन का केवल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। तो जब इनका बस बिकेगा उसके बाद से ये जब सर्विस देंगे मेंटेनेंस देंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी किसके पास होगा, वो सारे बसेस के मेंटेनेंस जो है इनके पास होगा। तो अच्छा खासा इसमें भी ग्रोथ है। दूसरा है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है एक्सपेक्टेड 18 बिलियन, और CAGR जो है 17% से वो बढ़ेगा, 26% बस का है, और जो ABS होगा एंटी ब्रेक सिस्टम होगा, ये सारी चीज़ें जो बेचने वाली कंपनी है उनका भी आप शेयर देखिए। पहले मैं तो ओलेक्ट्रा पर कंसंट्रेट करता हूँ, और उसके बाद से जो है हम लोग देख लें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इमर्ज एज अ लोएस्ट बिडर ऑफ सप्लाई। तो ये जहाँ भी बिड कर रही है ना, तो इसका बिडर जो है बिड जो है सबसे लोएस्ट पड़ रहा है, क्योंकि इनको इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है, तो इनका जो कॉस्ट आ रहा है और जो बाकी कंपनी का कॉस्ट आ रहा है वो डिफरेंट है। वो जितना मार्जिन पैसा कमाएगी, जितना प्रॉफिट कमाएगी, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट इनको इनके पास मिल जाता है, इसलिए इनका जो बिड होता है लोएस्ट होता है, इसलिए विन इनको जो है बिड विन करने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करने पड़ रही है। हर जगह से आप गोवा से बात कीजिए, तेलंगाना से बात कीजिए, आप उत्तराखंड से, दिल्ली से, बहुत सारे जो स्टेट हैं यूनियन टेरिटरी का, सिलवासा से, गुजरात से, एवरीवेयर, मतलब इनको जो है अच्छा खासा बिड जो है इन्होंने विन किया है। और मई तक का आंकड़ा था 1300 से 1400 बसों का इनको ऑर्डर मिल चुका था इलेक्ट्रिक बस का। और जिस तरह से गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है, और जैसे जैसे रिप्लेस होंगे इनके बसेस के फ्लीट रिप्लेस होंगे, तो ये जो है बिडर होगा, और सारा का सारा आप मान के चलिए कि इसको, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि 30% से 40% मार्केट शेयर ये अभी एक्वायर कर लेगा आने वाले समय में। ये हो सकता है जैसे गोवा ने अपना फ्लीट इन किया, और क्या क्या देते हैं ये अपने साथ, तो देखिए पहले तो ट्रेवल जीरो इमिशन की वजह से आजकल इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। और इसमें क्या है, इनका जो बस होता है वो 12 मीटर एयर कंडीशनर बसे से प्रोवाइड कर रहे हैं, 48+ ड्राइवर का सीट है, और उनमें क्या है डिस्क ब्रेक विथ ABS है, CCTV कैमरा है, USB सॉकेट है, इमरजेंसी सेफ्टी कम्युनिकेटर, GPS ट्रैकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब सारी सुविधाओं के साथ ये बस बना रहे हैं। तो बीडर तो होंगे ही होंगे, तो ये सब फैसिलिटी इनके पास अवेलेबल है, तो दैट्स वाई दे आर द मार्केट लीडर इन इलेक्ट्रिक बस। और जो मार्केट लीडर होता है वो आगे आने वाले 10 साल तक तो कुछ भी, मतलब इसको समझ लीजिए कि अच्छा खासा ये मार्केट शेयर गेन कर चुका होगा। और देखिए 350 बस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इस तरह से बहुत सारे जगहों से इन्होंने, अब यहाँ देख लीजिए ओलेक्ट्रा करती क्या है, तो ओलेक्ट्रा जो है 92 में हैदराबाद में एक इस्टेब्लिश हुई थी विथ मेजर इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रिक बसेस एंड कंपोजिट इंसुलेटर। तो मेजर इंटरेस्ट किस में है, इलेक्ट्रिक बस में, 92 में इन्होंने मेजर इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिक बस में और कंपोजिट इंसुलेटर में। तो जिसके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 30 साल का, वो कंपनी आगे, अब चूंकि अब मौका आया है, इनका मौका आया है, इनका समय आया है, तो ये ग्रो जरूर करेगा।
इसीलिए शेयर मार्केट में इनका जो शेयर है ना ऊपर चला जा रहा है। तो और दूसरी बात है कि जो ये हैं लार्जेस्ट सप्लायर हैं सिलिकॉन कंपोजिट रबर इंसुलेटर का इन द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये फॉरेन मार्केट एक्सपोर्ट भी करते हैं किसका, इंसुलेटर का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और इंसुलेटर का मैं बता दूं, इंसुलेटर का अभी जो गवर्नमेंट अपना सारा जो पुराने जो सेरेमिक के जो आपका इंसुलेटर लगा होता था, सेरेमिक का आपको पता होगा ना कि कांच की प्याले टूट जाता था, जो आपका वायर लगा होता है ना इलेक्ट्रिक का, तो उस पर एक गोल सा लगा होता देखे होंगे वो चीज़ें जो हैं, या हाई टेंशन वायर लगा होता है उसमें देखिए दो हाथी के दांत की तरह एक लटका हुआ रहता है, वो सेरेमिक का होता है। तो उसकी जगह पे जो है रिप्लेस कर रही है गवर्नमेंट किससे, ये सिलिकॉन कंपोजिट रबड़ से। ये क्या होता है, ये ज़्यादा उससे जो है टेम्परेचर को सह सकता है, और दूसरा वो ज़्यादा टिकाऊ होता है जो सेरामिक से, और सेरामिक से ज़्यादा इफ़िशियंट होता है ये, इसलिए जो है ये इंसुलेटर वाला जो है ये 7% CAGR से अच्छा खासा ग्रो करा, 7 to 8% से। तो ये भी इनका मार्केट इसमें लीडर ही है। तो अच्छा खासा देख लीजिए इसमें ये क्या क्या बनाती है, ये बसेस बनाती है, ये है आपका हाई टेंशन, ये लगा रहता है आपका इंसुलेटर। तो ये चीज़ें जो है इनको मिल रही हैं, रेलवे के लिए भी ये बनाती हैं, और बाकी जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए भी। ये इनका प्रोडक्ट है देखिए इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर का मार्केट भी इनका अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, और मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हम लोग टिकट ट्रैप ऐप पे चले जाते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि क्या इसका और भी फंडामेंटल है। तो देखिए अभी इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ भी दिखा नहीं रहा, रिटर्न FD कम अच्छा नहीं माना गया है, और एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा है, नो कोई रेड फ्लैग नहीं है। फॉरकास्ट में देख ले तो कोई इसको कवर कर रहा है, कोई इसको कवर नहीं कर रहा है, बढ़ जाएगा तो सब लोग कवर करेंगे दोस्तों। और इसके बाद देख ले इनका जो है इंडस्ट्री रिवेन्यू ग्रोथ जो होगा वो क्या है, 25.3% है, जो कि इंडस्ट्री का एवरेज कितना है, 6.9%, यहाँ तक 4 गुना 5 गुना तो इनका यहाँ पर अंतर आ जाता है। मार्केट शेयर जो है ये 31% है, 2.75% इन्होंने बढ़ा लिया है, लगभग डबल से भी ज़्यादा कर लिया 500 वालों में। आने वाले सालों में भी अच्छा खासा, चूंकि 25% का ग्रोथ होगा इलेक्ट्रिक बस में, तो ये शेयर जो है इनका बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। अब देख ले इनका जो नेट इनकम है वो भी अच्छा खासा है, 6.8% है वर्सेस इंडस्ट्री 5.। अब यहाँ पर देखते हैं रिवेन्यू क्या हुआ, देखिए रिवेन्यू जो है लगातार जो है आपका अप ट्रेंड में है, और एबिटा भी जो है इनका अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, और EPS जो है ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है अच्छा खासा जो है इनका बढ़ जाएगा। और इनके होल्डिंग देख लें कि होल्डिंग क्या है, होल्डिंग का क्या पोजीशन है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे होल्डिंग का पोजीशन जो है 55.61% आपका प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड 0.6% है, FIIs जो है 3.13% है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अभी चूंकि FIIs का कम है, आने वाले समय में देखिएगा जब दाम बढ़ेंगे तो आपके हाथों से शेयर लिए जाएंगे, लेकिन FIIs ने अपना जो है थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर से बढ़ाया है। तो ये सब चीज़ें जो है इंकरेजिंग है, और लगता है आने वाले समय में दोस्तों ये जो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है, और उसका बेस है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बस का मार्केट है उसमें ये मार्केट लीडर है, और इसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और इनका जो बिड हो रहा है वो लोएस्ट पड़ रहा है हर स्टेट में, दैट्स वाई दे आर मोस्ट टाइम बीडर और विनर बन रहे हैं वो बिड का। तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक 1300 से 1400 जो बस का ऑर्डर है वो आने वाले 12 महीने में होने वाला है, तो आने वाला क्वार्टर में अच्छा खासा इनका जो है प्रॉफिट जो है इनके फाइनेंशियल में दिखेगा। तो चलिए ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।